शंकर आचार्य को बोले, बोले आप मेरे पिता हो, आप जाओ नवद्वीप में खबर दे देना, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के वन में चले गए। जब उन्होंने ये बात सुनी, श्री चंद्रशेखर आचार्य तो कहते हैं एकदम दुखी होकर के मूर्छित हो गए, और उन्होंने अब जा करके अद्वैत आचार्य को जब सारी खबर पहुंचाई, महाप्रभु कहते हैं संन्यास लेकर के जंगल में चले जाएंगे। अद्वैत आचार्य और माता जी इसको सुन करके बोले, हम तो महाप्रभु का विरह में प्राण ही त्याग देंगे, कि शरीर और हम धारण नहीं करेंगे। जब उन्होंने संकल्प किया कि शरीर त्याग दे देंगे, इतने में आकाशवाणी बोले, शरीर त्याग मत दो, मैं 2-4 दिन के बाद में तुम लोग को सबको साथ में मैं मिलने वाला हूँ, इसलिए प्राण को त्याग मत दो। जब उन्होंने ये बात को सुने, सबके सब सांत्वना मिला, सांत्वना मिलते ही अभी यहाँ पर बोले, ब्रह्मा शिव सुखा दीजे रस वंचा करे, हे नरस हौ को तो मार सवार शरीर। महाप्रभु सारे भक्तों को, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, मुकुंद, गोविंद, कहते ये सारे भक्तों का आशीर्वाद दे रहे, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, बोले जो प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर सुखदेव गोस्वामी वो लालायित है, पांचा करते हैं, ये प्रेम तुम लोगों को सबके शरीर में ये प्रेम हो, इसलिए महाप्रभु सबसे पहले राहड़ देश में गए। कहते राहड़ देश नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है। कहते राढ़ स्थान में रह हो जाता है, इसलिए इसलिए राढ़ देश में कहते कभी कभी ये हो जाता है, जो ढ है कभी यहाँ पर ध शब्द प्रयोग हो जाता है, कहते राढ़ शब्द नहीं, कहते राधा देश, कहते ये हो जाता है राधा देश, क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु का वो जन्म स्थान, नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान होने का वजह से कहते ये अभिर्ण ये वृंदावन धाम, ये अभिर्ण वृंदावन, इसलिए उसका एक नाम है राधा देश। जब श्री महाप्रभु श्रीमद् नित्यानंद प्रभु का धाम में पहुंचे, अद्भुत मनोरम है, अद्भुत दृश्य, कहते जिसको देख करके महाप्रभु स्वयं मुग्ध होकर के प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। कहते अभी भी अगर कोई महाप्रभु का, ये नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान राध देश में अगर कोई राह जाए, तो अभी भी वहाँ का परिवेश बड़े सुंदर, पेड़ पौधा बड़े सुंदर, खेती है, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, क्योंकि वो अभिन्न वृंदावन था। और जिस समय श्रीमद बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जन्म हुए थे, क्योंकि अभिन्न श्री बलदेव प्रभु है, इसलिए गोपियां गोपी गीत का पहला श्लोक में क्या कहते हैं, बोले तो, क्या कहते हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सास्वदात्रहि तैतद्रीक्षता इसलिए श्री ब्रज गोपियां नहीं जरूरत का पहले, इसलिए ब्रज गोपियां गोपी गीत का पहला श्लोक क्या कहते हैं, बोले कहते जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा, कहते हे श्याम सुंदर, जब से तुमने ये ब्रज में जन्म ग्रहण किए हो, ये जो ब्रज धाम है वो ब्रज धाम नहीं रह गया, बोले श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, कहते लक्ष्मी की ये क्रीड़ा भूमि बन गया, ये लक्ष्मी की ये क्रीड़ा भूमि बन गया ये धाम, इसलिए कहते वहां का सौंदर्य देख करके महाप्रभु मुग्ध हो गए। कहते और महाप्रभु ये सब स्थान देख करके क्यों जा रहे हैं, क्यों जहां पर श्री महाप्रभु का चरण पड़ेगा वो स्थान पवित्र हो जाता है। कहते जब भक्तों का चरित्र, जहाँ पर भक्तों का चरण पड़ने पर कहते तहार प्रभावी कोटि जो जन निस्तारी, कहते एक भक्त जहाँ पर जन्म ले लिया ले लेता है,
कभी जब वो कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के नृत्य करता है, कभी हाथ उठा करके स्वर्ग में देवताओं को कल्याण होता है, कभी इनका दृष्टि जितना दूर तक फैलता है उतना दूर तक सारे अमंगल दूर हो जाता है। जहाँ उनका चरण स्पर्श होता है पृथ्वी भी अपने आप को धन्याती धन्य मानती है। एक भक्त जन्म ग्रहण करने पर बोले तहार प्रभाव एक कोटि योजन निस्तार करोड़ योजन तक पवित्र हो जाता है एक शुद्ध भक्त का जन्म लेने पर। तो भगवान जिस स्थान पर जाएंगे जिधर होते हुए जाएंगे फिर स्थान क्या कल्याण नहीं होगा। इसलिए यहाँ श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कहते महाप्रभु अलग अलग देश को देखकर क्यों जा रहे हैं, बोले जहाँ पर उनकी चरण पड़ेगा वो देश धन्य हो जाएगा है। लेकिन जब महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे थे कहीं भी उन्होंने कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिला। लेकिन चलते चलते जब एक स्थान पर गए ना हठात उन्होंने किसको मुंह में हरी बोल हरी बोल हरी बोल कृष्ण नाम सुनने को भगवान का नाम सुनने को मिला। महाप्रभु बोले इतना दूर तक आया अभी तो कहीं भी कृष्ण नाम सुनने को मेरे को नहीं मिला, या हरी बोल हरी बोल यहाँ कौन हरी बोलो क्या कहाँ से आवाज कहाँ से आई। इतने में महाप्रभु ने बोले ये आसपास में कोई गंगा है ना क्या, बोला हाँ ये थोड़ी दूर में गंगा है, थोड़ी दूर में गंगा, बोला हाँ ये गंगा का प्रभाव है, ये गंगा की ये प्रभाव है। बोले गंगा कौन है, कहते भगवान की चरणामृत ये गंगा है। इसलिए बोले चार स्थानों में भगवान का निवास है, कहाँ कहाँ पर बोलो तुलसी गंगा भागवत। हाँ इसलिए भागवत तुलसी गंगा है भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्णा यही चालीसा है। कहते चार स्थान में भगवान के निवास है, एक उसमें है ये गंगा, क्योंकि जो गंगा ये कौन है ये भगवान की चरणामृत ये गंगा। कहते भगवान का चरणामृत और भगवान में कोई फर्क नहीं, इसलिए यहाँ कर कहते प्रभु बोले ये महिमा केवल गंगा अतएव एता हरि नामेर प्रचार। यदि यहाँ पर जो हरि नाम कर रहे कारण है ये पास में गंगा बह रही है, गंगा की जो हवा जिसको शरीर में लग जाए बस उनका जीवन भी धन्य हो जाते हैं। महा यहाँ पर कह रहे हैं बोले प्रभु बोले गंगा स्नान करी वो, महाप्रभु बोले मैं गंगा स्नान करूंगा। महाप्रभु वहां पहुंच करके शाम को गंगा स्नान किया, श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में स्नान किया एवं उसको जल को उन्होंने पान भी किया। तो यहाँ पर महाप्रभु गंगा को स्तुति कर रहे हैं, क्या स्तुति कर रहे हैं बोले प्रेम रस स्वरूप तुमार दीप जल शिव जे तुमार तत्व जाने न सकल सकृत तुमार नाम करिले श्रवण तार विष्णु भक्ति है कुपूर्ण भक्षण तुमार प्रसाद से कृष्ण है न नाम स्फुरे जीवर मुखे है नहीं आन। महाप्रभु गंगा को स्तुति कर रहे बोले हे गंगा देवी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, इसलिए कह रहे प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिग्गज। कहते गंगा जो पानी है वो गंगा साधारण पानी नहीं, ये क्या है कहते प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिग्गज। कहते शिवे जे तुम्हार तत्व जानी न सकल, इसलिए जिस समय श्री भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए तपस्या की जब गंगा अवतरण करना चाहती है उसी समय में गंगा बोली मेरे पेट को कौन धारण करेगा, पहले ये चीज को देखो। और दूसरी चीज है जब मैं जाऊंगी पापी लोग भी गंगा पानी में स्नान करेंगे फिर सारे पाप का बोझ से फिर मैं पापी बन जाऊंगी, फिर ये पाप को कौन ग्रहण करेगा, मेरे पास में ये दो समस्या है, ये दो समस्या को हल कर दो फिर तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने सोचे किसको गंगा का पेट को इतना प्रखर तेज को कौन धारण करेगा, फिर उन्होंने शंकर जी की आराधना की। जब शंकर जी संतुष्ट हो गए बोले क्या चाहते हो, बोला कृपा करके ये गंगा को पेक को आप धारण कर। शंकर जी संतुष्ट हो गए बोले तो अहो भाग्य है गंगा कहाँ भगवान की चरणामृत, भगवान की चरणामृत धारण करने का सौभाग्य किसको मिलता है, भगवान की चरणामृत
इसलिए मैं गंगा पानी को मैं अपना सर पर मैं धारण करूंगा। भले फिर गंगा की जो पापी लोग स्नान करेंगे उसको पाप को कौन ग्रहण करेगा। भले यहाँ पर पापी लोग जन्म लेने पर भी ये कलि युग में बड़े बड़े साधु लोग भी जन्म ग्रहण करेंगे। हाँ, दूसरे युग में साधु लोग भी जन्म ग्रहण करेंगे, वे लोग भी गंगा में स्नान करेंगे। लेकिन स्नान करने पर क्या होगा? तीर्थ कुर्बन तीर्थानी संतोष देना कदाप्रतम, क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है। निवास होने का नाते कर जब वो गंगा में स्नान करेंगे, बस वैष्णव में इतना शक्ति गंगा के जितने पाप को ये सबके सब ग्रहण कर लेंगे। इसलिए आप कोई चिंता मत करो, आप कृपा करके पधारो। इसलिए गंगा ने सोचा शंकर जी मेरे बेग को धारण कर ले। बोले हाँ, बोले शंकर जी को बोल दो सावधान, मेरे बेग प्रचंड बेग है, उसको ठीक से खड़े हो, नहीं तो शंकर जी को भी मेरे साधन में ले जाऊ। शंकर एकदम त्रिशूल लेकर के एकदम खड़े रहे, बोले जितना तेज पूरा तेज को साथ में अब अवतीर्ण करो। इतने में गंगा कलकल नाद करते हुए इतना तेज से गंगा निकली। हे निकलते शंकर जी कौन है? वैष्णव नाम जथा समूह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। देव देव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम। आ शंकर जी भगवान को जो हृदय में धारण करते हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने जटा को ऐसे शंकर फैलाया। गंगा तो आई आई तो आई, पूरा घटा जटा में ही घूमते रहे, वो जटा में ही समा गई, बाहर निकल ही नहीं पाई है, क्योंकि शंकर जी धारण कर लिए। भगीरथ ने देखा गंगा तो आ गई लेकिन कहाँ पर गंगा है, ठीक नहीं रहे। इतने में शंकर जी को फिर प्रसन्न किया, बोले गंगा कहाँ थोड़ा, गंगा को मैं बड़े कष्ट करके तपस्या करके मैंने गंगा बुलाया हूँ, आप तो पूरा जटा में ही समा लिया, अब कृपा करके थोड़ा दो। बोले भगवान की चरणा में थोड़ी देते हैं, लेते हैं, नहीं देनी चाहिए। बोले कृपा करके थोड़े छोड़ दो। फिर शंकर जी फिर जटा से एक धारा उन्होंने निकाल दिया, फिर उसी गंगा ही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं शिवज तुमार तत्व जाने न सकल, कहते गंगा की तत्वों को कौन जानते हैं? बोले शंकर जी, कहते ये शंकर जी गंगा तत्व को श्री शंकर जी जानते हैं। बोले सकृत तुम्हार नाम करिले श्रवण, तार विष्णु भक्ति है कुना भक्षण। कहते एक बार केवल गंगा का नाम श्रवण करने पर क्या होगा, उसको हृदय में कृष्ण भक्ति होगा। अगर कोई गंगा पानी को पान करे तो उसकी बात ही छोड़ दो है। इसलिए तुम्हारा प्रसाद से कृष्ण है ना नाम सुरे जिबेर मुखे इते नहीं। बोले गंगा देवी की कृपा से ही हृदय में कृष्ण नाम स्मरण होता है। क्यों? भगवान की चरणामृत, चरणामृत का वंदना क्या है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद तकम पित्वा शिरसाधारणम। कहते भगवान चरणामृत से बोले सर्व पाप विनाशनम है, अकाल मृत्यु को जो हरण करने वाले, सारे व्याधि को नष्ट करने वाले, इसलिए चरणामृत क्या करते हैं? अपना सर पर धरा लगाते हैं। इसलिए भगवान कालियों के सर पर क्यों नृत्य किया था? कारण है उनने चरणामृत लेकर के अपना सर पर उनने चरणामृत लगाया था भक्तों का। इसलिए एक दिन भगवान क्या किया, कालिय के सर पर नृत्य किया और गंगा समुद्र सागर निद्रा भंग है। गंगा जल और उन्होंने तुलसी पत्ता दे करके उन्होंने मेरे को आह्वान किया तो भगवान को आसन को भी हिला दिया। गंगा में इतने शक्ति है, तुलसी में इतने शक्ति, भगवान का आसन को जो हिला दिया और भगवान ने क्या किया, पर इसी जगत में भगवान अवतीर्ण हुए। इसलिए गंगा की बड़ी प्रभाव। पहले मैंने दो स्टोरी सुनाया था ना, याद है? एक भूत का कथा सुनाया था, हैं? एक भूत का कथा सुनाया था, याद है? भूत का कथा, याद है? भूत का कथा, ये गुरुदेव, गुरुदेव ने ये कथा सुनाया थी। मथुरा ने गुरुदेव ने गंगा की महिमा को बोलने के लिए गुरुदेव ने दो स्टोरी सुनाए थे। एक है एक समय क्या हुआ, कोई एक जो जादू मंत्र जादू टोना जानता है, हैं? जो जादू टोना जानता है वो जा रहा था, जाते जाते देखा हठात भूत लोगों का पार्टी हो रहा था,
जितने सारे भूत लोग बैठ करके दाना बजाना खा पी रहे हैं, बड़ा मस्त ले रहे हैं। तो वो जो जादूगर था, ये जो मंत्र भी जिसको क्या बोलते हो हिंदी में, क्या बोलते नहीं पता, नहीं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हो प्रभु जी, जो भूत भूत को छुड़ाने वाले होते हैं, तांत्रिक, तांत्रिक, तांत्रिक देखा भूतों का पार्टी हो रहा है, वो तांत्रिक ने एक भूत को बोला, बोले इधर आओ, बोले क्या चक्कर है, क्या बात है, यहाँ पर तुम लोग आज इतने आनंद क्यों हो रहा है, बैंड बट बजा बज रहे, खान पान क्या बात क्या है, बोले हमारे अंदर में एक कुंवारी लड़की है, कल उसकी शादी होने वाला है, इसलिए आज हम लोग उत्सव मना रहे, कल उनकी शादी होगी, इसलिए बोले कैसे शादी होगी, बोले एक कुंवारी लड़की, कल एक जवान लड़का मरने वाला, बोले कहाँ मरेगा, बोले अमुक स्थान पर दो साढ़ों में लड़ाई होगी, और किसी तरह से साढ़ जब लड़ाई में भिड़ जाते हैं ना, कोई किसको छोड़ना नहीं चाहते, कहते एक जवान लड़का साढ़ जो लड़ते हुए होंगे उनको छुड़ाने के लिए जाएगा, और साढ़ तो बड़े क्रोध में होंगे, वो क्या करके वो बच्चे लड़का को मारेगी, जवान लड़का, और उसको पेट फाड़ देंगे, पेट फाड़ देंगे तो मर जाएगा, अपमृत्यु होने से प्रेत जन्म होता है, इसलिए हमारे पास में पहले ही ऐसे बात बोले हाँ। तब उन्होंने सचमुच से उन्होंने पता लगाया, जहां पर बताए थे वहीं पर ही वो दो साढ़ में लड़ाई हुई थी, और एक जवान ने उसको छुड़ाने के लिए गया तो साढ़ ने सचमुच से उसको पेट में मारे और वो जवान ने शरीर छोड़ दिया, बात सही है। फिर दूसरे दिन जब उन लोग बड़े सौभाग्यवान जो गंगा किनारे में निवास करते हैं, लेकिन महाप्रभु जो गंगा को स्तुति कर रहे थे, इतने में गंगा कौन है, गंगा भगवान की चरणा मृत, गंगा की इतना महिमा क्यों, चूंकि भगवान की चरणा से ये गंगा निकले इसलिए उनकी इतना महिमा है, इतने में जो गंगा महाप्रभु को मुंह से जब अपना स्तुति सुन रहे थे, लज्जित हो रहे थे, देखो जिनकी चरणा से मैं निकली हूँ मेरे को कौन पूछने वाले, कोई पूछने वाले नहीं, इसलिए चूंकि मेरा इतना महत्व ठाकुर जी की चरणा से मैं निकला हूँ, ठाकुर जी मेरे स्तुति कर रहे हैं, मेरे को स्तुति कर रहे, इसलिए गंगा देवी बड़ी लज्जित हो रही थी, हैं? इसलिए श्री महाप्रभु वही उसी रात को वहीं पर विश्राम किए, विश्राम करते करके फिर महाप्रभु ने महाप्रभु ने फिर कहाँ चल पड़े, शांतिपुर के लिए महाप्रभु चल पड़े, लेकिन इधर जो सची माँ है, तो सची माँ सब नित्यानंद प्रभु खबर देने के लिए आए, क्या देने के लिए, जे महाप्रभु है कहाँ जा रहे, शांतिपुर जा रहे हैं, शांतिपुर में सब भक्तों को साथ में वहीं पर मिलेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जब आए सची माँ के पास में, सची माँ का जो दुर्दशा देखा, सची माँ 11 दिन से महाप्रभु का विरह से विरह में 11 दिन तक उन्होंने पानी तक भी नहीं पी है, केवल भक्ति का बल पर किसी तरह से उनकी प्राण किसी तरह से रक्षा हो रहा है, हैं? इसलिए उनको घर में जा करके और सची माँ एकदम मैया जसोदा की भाव में विभावित होकर के जिसको देखती हैं ये सोचती हैं मैं स्वयं मैया जसोदा हूँ, हैं? कहते मथुरा लोक की तुम्हारा सवा है, जिसको देखते हैं क्योंकि कृष्ण कहाँ चले गए, ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए, मथुरा चले गए तो इसलिए सची माँ की विरह में हैं, सची माँ जसोदा की विरह में जिसको देखते हैं वो कृष्ण को बाहर में प्रश्न करते हैं, क्या मेरे कन्हा को देखे हो, मेरे कृष्ण को कहीं देखे हो कहीं, हैं? कहो राम कृष्ण आछय गमने, जिसको देखते हैं वही प्रश्न करते हैं, मेरे राम और कृष्ण कैसे है, मेरे राम कृष्ण इतना बोल करके सची मैया पछाड़ खा करके गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, उसी चिंता में महाप्रभु सची माँ उसमें डूबे हुए हैं। फिर हम लोग कल सुनेंगे उसके बाद में कैसे सारे भक्तों के साथ में महाप्रभु का कैसे मिलन हो गई, मन शकल दुर्भ कृपा सिंधु भय पतितानंग पावने।